हेलो गाइस, आपका फ्रेंड हिमांशु कर आज फिर नई वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे तो मैंने इस वीडियो में उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं बस, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, अगर वो डाउट आपके भी होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपकी कंसेप्ट पे और अच्छी पकड़ बन जाएगी। वीडियो न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बात ध्यान रखना, जो आपके कंसेप्ट है ना, इसके मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स की 5 वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो देखनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आना, क्योंकि गाइस जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तो न्यूमेरिकल करने में मजा नहीं आएगा। अगर आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो न्यूमेरिकल आपके पास कोई सा भी आ जाए आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे कि इसी तरह की वीडियो के आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सको, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी मेरी इसी तरह की वीडियो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरह के एग्जाम के अंदर मैंने देखा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करके, ठीक है। ये मान लो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला यही क्वेश्चन दिया है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है, यहाँ तक का इनकम दी हुई है मेरे को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दी हुई है, एमपीएस दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या है, कुछ चीजें ब्लैंक है, कंप्लीट मतलब उसको कंप्लीट करना टेबल को, ठीक है। ये मेरा पार्ट ब्लैंक था, जहां भी मेरे राइट लगे हुए हैं ये मेरे क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक था क्वेश्चन, इसको मेरे को फिल करना है, ठीक है। अब गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 से 3 चीजें हैं जो मेरे को समझानी है, उससे क्या होगा आपका कंसेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y इज इक्वल c प्लस s, सबको पता है, नहीं पता y क्या होता है, इनकम, c क्या होता है, कंजम्पशन, s क्या होती है, सेविंग, हमको पता है। इनकम को मैं यहां पर y लिख सकता हूं क्या, यस लिख सकते हैं। कंजम्पशन को मैं यहां पर c लिख सकता हूं क्या, यस लिख सकते हैं। सेविंग को मैं s लिख सकता हूं क्या, सेविंग का कॉलम मैंने अपने पास से ऐड किया है, आपको समझ में आएगा क्यों ऐड किया है जब मैं क्वेश्चन को करूंगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये सेविंग का कॉलम अपने पास से क्यों ऐड किया है, दैट इज क्लियर। चलो, तो गाइस आपको ये फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल c प्लस s, दैट इज इनकम इज इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला आता है मेरे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, वो ही समझा रहा हूं मैं आपको। एपीएस क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता है, s अपॉन y, s क्या है, सेविंग अपॉन इनकम, y मतलब इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला मेरा यूज होगा इसके अंदर, दैट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, मतलब कि सेविंग में कितना चेंज हो रहा है और इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले के बेस पे ये पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर दोगे आप, इन 3 फॉर्मूले के बेस पे पूरा न्यूमेरिकल खत्म कर दोगे आप, खुद करोगे, देखो कैसे होता है यार, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो भाई, हमने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं अपने, हमको पता है इनकम क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है, कॉन्स्टेंट रेट में इंक्रीज होती है। तो पहले पे क्या है 0, दूसरे पे क्या है 100, तीसरे पे क्या है 200, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार, 100 का इंक्रीज हो रहा है हर बार। तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 से ही इंक्रीज कर दूंगा, 200 का क्या हो गया भाई 300, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 400, ये बात क्लियर है भाई। 0 से 100 पे, 100 से 200 पे, ये क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और ये बात मेरे को पता भी है कि जो इनकम होती है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। तो क्या हुआ भाई, 0 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से क्या हो गया 300 हो गया, 300 से क्या हो गया 400 हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है, एमपीएस दे रखी है, कुछ एमपीएस दे रखे हैं, कुछ एपीएस दे रखे हैं। मेरे को निकालना क्या है, ये जो डैश वाले हैं इनको फिल करना है। मेरा इनकम का कॉलम एक तो भर गया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अपने कंजम्पशन पे, कंजम्पशन और सेविंग दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब भाई, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल c प्लस s, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल c प्लस s, y की वैल्यू 0 है, कंजम्पशन 80 है, y की वैल्यू 0 है, कंजम्पशन 80 है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, -80, पता है हम सबको ये कितना हो जाएगा, माइनस का 80, ठीक है, ये बात हमको पता है भाई। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, y कितनी है 100, इसको 0 की जगह कर लो 100, कंजम्पशन कितना है 140, कंजम्पशन कितना हो गया 140, तो सेविंग कितनी हो गई -40, ठीक है। अब भाई ये मेरे को डैश दे रखा है, इसकी बाद में करूंगा, यहां भी मैं अभी खाली छोड़ता हूं, ठीक है। नीचे आता हूं, ये कितनी हो गई मेरी इनकम, हो गई 300, और कंजम्पशन कितना हो गया मेरा 240, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 60, हमको पता है, ठीक है। अब मेरे को
इनकम कितनी दे रखी है 400, कंजम्पशन कितना दे रखा है 260, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 140, सेविंग कितनी हो गई 140। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ये मेरा रह गया सेविंग और कंजम्पशन का, ये देखो मेरे को एपीएस दे रखा है 0, इसकी मदद लेनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर इसकी मदद लेनी पड़ेगी भाई। एपीएस कितना दे रखा है 0 दे रखा है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। तो भाई एपीएस क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल सेविंग कितनी हो गई नहीं पता मेरे को, अपॉन इनकम कितनी है इस पॉइंट पे, इनकम है 200। अब भाई किसी नंबर की थोड़ी बहुत तो मैथ्स हमको आती है, हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड में 12th क्लास में भाई कॉमर्स विद मैथ्स वाले भी है और कॉमर्स विद विदाउट मैथ्स भी है, लेकिन ये जो मैथ्स का यहाँ पर छोटा सा एक पोर्शन है बहुत इजी है। ये क्या है, 0 है, ये क्या 200 है, ये क्या डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू 200 इज इक्वल एस, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 0 आता है, दैट इज सेविंग। सेविंग कितनी हो गई, 0 हो गई यहाँ पर, सेविंग कितनी हो गई, 0 हो गई यहाँ पर। अब भाई सेविंग 0 है तो कंजम्पशन कितना होगा, सेविंग 0 है तो कंजम्पशन कितना होगा भाई, इनकम है 200 ठीक है, और सेविंग है 0 तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कंजम्पशन कितना हो गया हमारा 200 हो गया। तो आपके ये दो कॉलम यहां पर फिल हो गए। मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, चार कॉलम दिए हुए थे, चार में से मैंने दो पूरे फिल कर लिए। अब जो लास्ट कॉलम बचा है, जो लास्ट वाला नहीं, लास्ट के अभी दो बचे हैं एमपीएस और एपीएस, उसको मैं इजिली फिल कर दूंगा। देखो भाई सबसे पहले मैं एमपीएस पे चलता हूँ, सबसे पहले मैं एमपीएस पे चलता हूँ। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिख रखा है यहाँ पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ फॉर्मूले लिख लेना, किस तरह से लिख लेना, जैसे क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे इसी तरह से, तो यहाँ लिख लेना फॉर्मूले यूज, इन तीनों फॉर्मूले को लिख लेना, उससे क्या होगा टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, फॉर्मूले भी लिखे हैं बच्चे ने, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के एक अच्छा सा इंपैक्ट पड़ रहा है टीचर के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंटेशन जरूर देगा पेपर के अंदर। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एमपीएस की, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज कितना हुआ, चेंज तो देखो सबसे पहले कॉलम की बात करता हूँ भाई, यहाँ पर हूं मैं इस वाले कॉलम में, ठीक है। अब भाई ऊपर कुछ है क्या, नहीं, यहाँ कुछ है क्या, नहीं, बल्कि कंजम्पशन नहीं देखेंगे हम, यहाँ क्या देखेंगे हम, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम सेविंग, तो ऊपर कुछ है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, यहां जब ऊपर कुछ है ही नहीं और यहां भी कुछ नहीं है तो एमपीएस पहले पे क्या होता है, डैश होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एमपीएस पहले पे क्या होता है, डैश होता है, ठीक है। दूसरे वाला फिल हुआ हुआ है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना, तीसरे पे आ जाता हूं मैं, तो तीसरे पे क्या है, यहाँ कितना चेंज हुआ 40 का, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं देखते, चेंज देखते हैं सिर्फ, क्या देखते हैं, चेंज, कि चेंज कितना हुआ 40 का, तो यहाँ पे लिखेंगे मैंने 40 अपॉन, चेंज लिखा है ध्यान रखना, माइनस 40 माइनस 0 क्या हो जाएगा, माइनस का 40 आएगा, तो चेंज में माइनस नहीं देखेंगे, साइन को क्या कर देते हैं, इग्नोर, तो 40 आ गया। इनकम में कितना चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट है यार ये, तो 100 का चेंज हो रहा है, तो 40 अपॉन 100 कितना होता है, 0.4 होता है, बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है। एक और मेरा भर गया, अब नेक्स्ट पे आ जाता हूँ मैं, इसको मैं रफ करके इसको देखते हैं, यहाँ कितना चेंज हो रहा है, 60 से 0 से 60 कितना चेंज हुआ, 60 का चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ, 200 से 300 कितना हो गया, 100 हो गया, तो 60 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ये कॉलम भी आपका फिल हो गया। अब एमपीएस आपका फिल हो गया, अब मैं आ जाता हूँ एपीएस पे, तो भाई एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम, तो सेविंग कितनी है, माइनस 80, इनकम कितनी है, 0, माइनस 80 अपॉन 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, हम सबको पता है इन्फिनिटी आता है, हम सबको पता है इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ क्या कर दो, इन्फिनिटी कर दो या फिर डैश कर दो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। यहाँ क्या है, माइनस 40, यहाँ क्या है 100, भाई फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम, तो माइनस 40 अपॉन 100 दैट इज माइनस का 0.4, ये कितना हो गया, माइनस का 0.4, 0 अपॉन 200, 0 ये तो ऑलरेडी फिल है वैसे, ये लो आपकी पूरी टेबल भर गई, आपकी पूरी टेबल भर गई, आप देख सकते हो कोई भी ब्लैंक नहीं बचा। ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि एमपीएस पहली यूनिट पे जो चेंज होता है वो हमको नहीं पता, क्यों, ऊपर वाला क्या है हमको नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई कितना चेंज हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। एपीएस हाँ पहली यूनिट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इनकम क्या थी, 0 थी, तो भी किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी आता है, ये बात हमको पता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का, फटाफट से आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने पास नोट कर लो। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, देखो इनकम हमको दी हुई है, सेविंग हमको दी हुई है,
एपीसी फाइंड करनी है, कुछ पॉइंट एपीसी के फाइंड करने हैं, एमपीसी के फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एपीसी और एमपीसी को फाइंड करने के लिए क्या चाहिएगा, कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इज इक्वल सी अपॉन वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो क्या चाहिए अल्टीमेटली, कंजम्पशन चाहिए। अल्टीमेटली क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए और इनकम चाहिए। इनकम मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को कंजम्पशन का फॉर्मूला अपने पास से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वाई इज इक्वल सी प्लस एस। फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल सी प्लस एस। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी, इनकम को हम वाई बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर जीरो पुट कर दी, सेविंग माइनस 40 हो गया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, प्लस का 40। कंजम्पशन कितना हो जाएगा, प्लस का 40। वाई की वैल्यू 50 पुट कर दी, सेविंग माइनस 20 कर दी, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 70। वाई की वैल्यू 100 पुट कर दी, सेविंग जीरो पुट कर दिया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 100। वाई की वैल्यू 150 पुट कर दी, सेविंग 30 पुट कर दी, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। वाई की वैल्यू 20 पुट कर दी, सेविंग 50 पुट कर दिया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 150। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, किस तरह से इन दोनों को ऐड कर दो, ये मिल जाएगा, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर दो, इनकम मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं अपने आता हूँ नेक्स्ट कॉलम पे, डेट इज एपीसी। अब हम पहले किसको फाइंड आउट करेंगे, एपीसी को। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। तो फर्स्ट कॉलम पे सी क्या है, 40 है, इस पे क्या है, जीरो। इनकम कितनी होगी, जीरो, तो 40 अपॉन जीरो। यार बच्चे बच्चों को पता है इन्फिनिटी होता है, 40 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 40 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। दूसरे पे आता हूं मैं, 70 अपॉन 50। 70 अपॉन 50 का मतलब क्या हो गया, 70 अपॉन 50 डेट इज 1.4, डेट इज 1.4। तो इसको क्या कर लिया मैंने, 1.4 लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम पे आता हूँ, 100 अपॉन 100 क्या होता है, 1 होता है, बच्चे बच्चे होता है बात, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 120 अपॉन 150, 120 अपॉन 150, ये क्या हो जाता है, 4 अपॉन 5 कितना होता है, 0.8 होता है। नेक्स्ट क्या हो गया मेरा, 150 अपॉन 200, ये क्या होता है, 3 अपॉन 4 होता है। 3 अपॉन 4 की वैल्यू अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगी, 0.75 आ जाएगी। हमारा एपीसी कॉलम फिल हो गया, कितनी देर लगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने एमपीसी पे। भाई एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो देखो ये कितना है, ये नहीं, सबसे पहली बात करते हैं, चलो ऊपर से बात करते हैं, ऊपर कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, यहाँ कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। 70 से 40 कितना चेंज हुआ, 30 का चेंज हुआ। 50 से 0 कितना चेंज हुआ, 50 का चेंज हुआ। 30 अपॉन 50 सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। मेरे को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम दिया हुआ है, इसमें आता हूं मैं, इसमें कितना चेंज हुआ, 100 से 120 का चेंज हुआ। इनकम कितनी चेंज होती है, हर बार 50 होती है, कॉन्स्टेंट है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 0.4 आएगा। नेक्स्ट पे आ जाता हूं, इसमें कितना चेंज हुआ, 30 का चेंज हुआ। इनकम में कितनी चेंज होगी, 50 का चेंज होगा, तो 30 अपॉन 50 कितना होता है मेरा, 0.6 होता है, बच्चे बच्चों को पता है, काम हो गया, क्वेश्चन आपका एक खत्म हो गया। तो गाइस इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कंसेप्ट को क्लियर करो, मैंने अपनी 5 वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे पहले उनको जाके देखो, फिर इन वीडियो पे आना, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो गाइस अब हम आते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ लो, उसके बाद 2-3 चीजें मेरे को आपको समझानी है, वो समझाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन, C is equal C bar plus BY. Calculate saving and income of ₹2000 crore if autonomous consumption is 150 crore and 40% of additional income is consumed. सबसे पहली चीज, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड मतलब है इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको कोई 2-3 चीजें हैं वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसके अंदर जो टेक्निकल वर्ड दिए क्वेश्चन में वो समझाऊंगा। भाई कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल सी बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल माइनस का सी बार प्लस का 1 माइनस बी वाई। सबसे पहले आपको ये 2 चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको ये 2 चीज क्लियर है ना तो आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे, आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे। सी बार क्या होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन। सी बार क्या होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन। बी क्या होता है, एमपीसी। अगर सी के साथ आ रहा है बी, अगर इस सी के साथ आ रहा है बी, दैट इज एमपीसी। वाई क्या है, यहां पर इनकम। अगर मैं सेविंग की बात करूं, माइनस सी बार क्या है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन। आपको पता है कंजम्पशन जो होता है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन या ऑटोनोमियस सेविंग, दोनों इक्वल होगी ऑलवेज, ध्यान रखना इस चीज को। मैं यहां पर एस बार भी लिख सकता था, माइनस सी बार की जगह पर एस बार भी लिख सकता था, ठीक है। ये चीजें मैंने वीडियो में बता रखी है, आपको वो देखनी पड़ेगी वीडियो,
जाके, ठीक है। वन माइनस बी क्या है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम एमपीएस, इसको क्या बोलेंगे एमपीएस, वाई क्या है इनकम, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है भाई, मेरे को कंजम्पशन ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट करनी है सेविंग, सेविंग कैलकुलेट करनी है, मतलब ये चीज निकाल के लानी है मेरे को, निकाल के क्या लाना है मेरे को, सेविंग निकाल के लानी है मेरे को, ठीक है। अब इन्होंने मेरे को दिया क्या है, इनकम कितनी है 2000 है, वाई कितनी दे दी क्वेश्चन के अंदर, 2000 दे दी। अब जो जो टेक्निकल पर्सन है उनको ले देता हूं मैं, वाई कितनी है भाई 2000 है, 2000 करोड़। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, 150 करोड़, दैट इज ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है मेरे को, 150 करोड़, ठीक है। एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, इसको समझने की जरूरत है, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, कंज्यूम हो गई 40% एडिशनल, एडिशनल मतलब चेंज होना, चेंज मतलब एमपीसी, एमपीसी क्यों है, कंज्यूम हुई है, दैट इज एमपीसी। तो एमपीसी कितनी दे दी, 40% दे दी, 40% को अगर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, 40% इज इक्वल 40/100, दैट इज 0.40, ये क्या है एमपीसी है, ये क्या है एमपीसी। अब हमको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल 1, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 प्लस एमपीएस मेरे को नहीं पता इज इक्वल 1, तो एमपीएस की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 0.6, ये क्वेश्चन में यूज होगी इसलिए निकाल लिया, एमपीएस की वैल्यू क्या हो गई 0.6 हो गई। अब मैं आता हूं अपने न्यूमेरिकल पे, मेरा जितना भी काम था ना मेनली मैंने सब कर दिया, बस अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू को खेला तो देखो भाई सेविंग पोजीशन क्या है, यहां तक की काम क्या हो गया हमारा, जो हमको समझने थे कंसेप्ट कुछ वो है हमारे। अब सेविंग पोजीशन क्या है, माइनस का सी बार प्लस 1 बी वाई, माइनस का सी बार क्या है, सी बार कितना है 150 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 150 प्लस 1 बी क्या था एमपीएस, 1 बी क्या था एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 0.6। वाई इनकम क्या बोल रहा है ये, किस इनकम पे निकालना है, 2000 करोड़ इनकम पे, तो भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 150 0.6 × 2000 करूंगा तो आ जाएगा 1200 और माइनस 150 प्लस 1200 दैट इज 1050 करोड़, दैट इज माई आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कुछ हार्ड था क्या यार, हार्ड तो कुछ है ही नहीं अगर आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया है, एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया हुआ था, ठीक है, जो दो न्यूमेरिकल थे वो भी डाउट थे, अगर आपके भी कुछ इसी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हो himanshugarg1603@gmail.com, मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मेरी ईमेल आईडी है himanshugarg1603@gmail.com, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इनको मेल कर सकते हो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 की, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज एस इज इक्वल माइनस 120 प्लस 0.4 वाई, डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो चीजें हैं समझने वाली वो समझना, एस क्या दिया हुआ है माइनस का 120 प्लस 0.4 वाई, भाई हमको पता है ये क्या है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, सेविंग में क्या होता है ये नेगेटिव होता है, कंजम्पशन फंक्शन में ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या है 0.4 क्या है एमपीएस, ये क्या दिया हुआ है एमपीएस, ये क्या दिया हुआ है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। अब भाई कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस एमपीसी प्लस एमपीसी, जिसको हम बोलते हैं बी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई, तो भाई एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा निकाल देंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल 1 होता है, हमको पता है इक्वेशन ये, तो भाई देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल होता है 1 के, तो भाई एमपीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको निकालनी है और एमपीएस की कितनी दी हुई है 0.4 दी हुई है, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई क्या, यस आ गई, तो ये कितना हो गया, तो देखो सी बार की वैल्यू कितनी हो गई 120 प्लस एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई 0.6 और वाई क्या हो गया एज इट इज। तो ये क्या निकल गया हमने कंजम्पशन फंक्शन, कुछ हार्ड है क्या, नहीं हार्ड तो कुछ है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट इसका, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़, हमको क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है जब इनकम क्या है 600 करोड़ है,
इनकम क्या हुई 600 करोड़ हो गई। तो देखो भाई 120 प्लस 0.6 इंटू 600 तो ये कितना हो गया 600 इंटू 6 करोड़ तो 360 आ गया प्लस 120 तो ये कितना हो गया 480 करोड़। दैट इज माय आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कंजम्पशन हमने निकाल दिया जब इनकम मेरी 600 है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बोलता है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है वाई इज इक्वल सी थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड क्वेश्चन ठीक है। क्या होता है ब्रेक इवन का मतलब वाई इज इक्वल सी, इसका मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया, तो देखो भाई वाई क्या है, वाई तो एसिडिटी से जाता है। सी क्या है, ऊपर जो हमने वे भी निकाला था 120 प्लस 0.6 वाई। अब भाई 0.6 वाई इधर क्या है पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव, तो वाई माइनस 0.6 वाई तो ये कितना होगा 0.4 वाई इज इक्वल 120। अब वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम 120 अपॉन 0.4 तो ये कितना हो जाएगा 0.6 आ गया तो ये कितना हो गया 300। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 300 होगी। क्या बोला था ब्रेक इवन लेवल पे इनकम क्या होगी, इनकम क्या होगी 300 होगी अगर ब्रेक इवन लेवल है तो। ओके मैं ये होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट से उसको भी हम करते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई। तो गाइस देखो इन्होंने जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स दिए हैं उनको समझ लेते हैं पहले। सी इज इक्वल 200 प्लस 0.8 वाई, अगर आपको ये वर्ड समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन जो है आपका फटाफट हो जाएगा। देखो भाई 0.8 क्या होता है, इसके अंदर एमपीसी होता है, ये बात हमको पता है। क्यों, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, कंजम्पशन की हो रही है। ये क्या है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, ठीक है। अब देखो ये माइनस नहीं है ये एरो, ठीक है। अब देखो द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस की वैल्यू निकालनी है। भाई एमपीसी की वैल्यू मेरे को यहीं से मिल गई 0.8, एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी 0.8 होगी, मेरे को क्वेश्चन में से मिल गई। इसको बॉक्स में कर लो, जो चीज हमें निकालनी होती है ना उसको बॉक्स में कर लेगा। अब एमपीएस निकालना है, अब एमपीएस के लिए क्या होगा भाई, मेरे पास फॉर्मूला है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल 1। तो ये क्या हो जाएगा, एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 प्लस एमपीएस हमको निकालना है इज इक्वल 1, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब मैं अपने सेकंड पार्ट पे चलता हूं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया सी बार ऊपर, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो गया अभी मेरा सी बार आ गया मेरा 200। सेकंड पार्ट भी आपका ये हो गया ये, ठीक है। अब मैं चलता हूं मैं थर्ड पार्ट, ड्राइव द कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। मेरे से ये बोल रहा है कि सेविंग फंक्शन ड्राइव करो। सेविंग फंक्शन होता क्या है, माइनस का सी बार प्लस का एमपीएस, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस बी वाई, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा एमपीएस। तो ये माइनस सी बार कितना है 200 है, तो कितना हो गया माइनस का 200 प्लस एमपीएस कितनी निकाली थी हमने 0.2 निकाली थी, तो कितना हो गया 0.2 वाई। ये आ गया हमारा सेविंग फंक्शन, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे, ये कैलकुलेट कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 3000 करोड़ एंड 5000 करोड़, दो पूछ रहा है। तो कंजम्पशन नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ये C इज इक्वल सी बार प्लस डी वाई। इनकम कितनी दी हुई है, C आ गया, C बार आ गया 200 प्लस B कितना है हमारा एमपीसी 0.8 है, Y कितना है, कितने पे पूछ रहा है 3000 पे पूछ रहा है, तो पहले हम करते हैं 3000 पे, ठीक है। तो कितना हो गया 200, 8 या 24 प्लस 2400, तो कितना आ गया 2600 करोड़ हो गई हमारी कंजम्पशन जब हमारी इनकम, जब हमारी इनकम 3000 होगी। अब अगर ये पूछ रहा है मेरे से कि भाई अगर तुम्हारी इनकम 5000 है तो क्या होगा, अगर मेरी इनकम 5000 है तो क्या होगा, 200 प्लस 0.8 इंटू 5000 तो कितना हो गया, 200 प्लस 0.8 इंटू 5000 कितना हो जाएगा 4000, तो कितना हो जाएगा 4200, 4200 हो गया मेरा सी। कंजम्पशन कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा अगर मेरा इनकम 5000 है तो। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मुझसे ये कि भाई ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। ब्रेक इवन लेवल क्या होता है, y इक्वल सी होता है, हमको पता है y इज इक्वल सी क्या है 200 प्लस 0.8y, ये क्या हो गया इधर नेगेटिव में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.2y इज इक्वल 200, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया 0 आ गया 2 से 1000 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1000 हो गई। भाई इन ब्रेक इवन लेवल क्या होगा, अगर ब्रेक इवन लेवल क्या होगा इनकम का, इनकम का ब्रेक इवन लेवल क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। एक मेरे को मेरे पास जो डाउट्स आ रहे थे मैंने आपको वो कराए हैं, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट होता है गाइस आप मेरे को मेल कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब आप मेल करो तो मेरे को साथ में कमेंट भी कर देना, क्योंकि मैं मेल लोग चेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप जब कमेंट करोगे तो कमेंट तो ऑब्वियसली बात है यार मैं चेक करूंगा ही, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सोल्यूशन, इज दैट क्लियर? ओके। तो गाइस मेरी जो ईमेल आईडी है वो है himanshugarg1603@gmail.com, आप मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो और अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मेरे से जैसे कि पूछ सकें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइस, सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ